हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मंडी रिएक्शन। आज फिर कॉडी आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान। मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है गोइंग आउट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉकडाउन। तो ये वीडियो है स्ले पॉइंट की और इसको बड़े फनी वे में प्रेजेंट किया हुआ है स्ले पॉइंट ने। वैसे ये तो मतलब काफ़ी सीरियस होनी चाहिए कि फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के बड़ा एहतियात साथ में इमोशनल बाहर की दुनिया एकदम से। मेरे ख्याल से इतना तो कोई जुड़ के कमरे रूम में बैठा नहीं है कि घर में नहीं बैठा कि वो कभी बाहर निकला ना। तुम नहीं ना बैठे, लोग बैठे हैं। ऐसे नहीं बैठे इसके 6 महीने में लोग बैठे होते हैं तो लोग बैठे होते तो कोरोना करा के ना बैठे होते। ठीक है ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा मैं अपनी बात, लोग बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं उनको हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है। ओके, समझ रहे हो ना। ओके, मतलब कह रहे हो 6 महीने से ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकले। ऐसे लोग 6 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकले। काफी लोग हैं, आई पर्सनली नो 6 महीने से लोग घर से बाहर नहीं निकले। मैं फिर पूछता हूँ, 6 महीने से लोग घर से बाहर नहीं निकले भाई। हाँ गुड, अब अच्छी बात, वेरी गुड। लेकिन उन्हें फिर भी कोरोना हुआ निकल जाते तो अच्छी बात थी। तो लेट्स सी स्ले पॉइंट की वीडियो स्टार्ट कर दे भाई। आज मुझे एक बंदा बता रहा था भाई, मैंने जरा एहतियात नहीं की, देखो मुझे नहीं हुआ। जो ज्यादा एहतियात करते ही नहीं होते मैंने कहा क्या लॉजिक दिया तुमने मैं तुम्हें क्या कहूँ, बस ठीक है। एक 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 लिहाज से उसकी बात ठीक है ना, कहते डरोगे तो ज्यादा होगा। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो कहते थे यार मैं तुम्हें बाहर नहीं निकला। मतलब वो कहते हैं कैसे हो। हाँ यही बात है, लोग कहते हैं कि हमने इग्नोर किया तो हमें नहीं हुआ, हमारे पास आया था हमने लिफ्ट ही नहीं कराई। तो जो ज्यादा सो ये भी एक तरीका है। तो अगर आपको कोरोना का डर हो आप कोरोना को इग्नोर करें। वो हम कौन सी स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे थे, जिस चीज का डर हो मैं कर देता हूँ, अभिषेक उपमन्यु की बात। तो अगर आपको कोरोना का डर है तो आप लगवा लें। टीका मिलता है कोरोना लगवा लें, बाहर निकल जाएं, बाहर निकल जाएं तो आपको कम से कम ही डर खत्म हो जाएगा। और एक और चीज मैं बताऊं, अगर आप बच गए तो फिर आपको दोबारा नहीं होगा। मतलब अगर आप बच गए इंशाल्लाह आप बच जाएंगे, कुछ नहीं होता। लाइव एग्जांपल कुछ नहीं होता, कुछ तो नहीं होता, वाकई कुछ नहीं। चलो लेट्स सी दिस, लेट्स सी द वीडियो। 5 महीनों से एक भी बाहर का प्राणी नहीं देखा। उस दिन घर पे मच्छर आया तो उसी की आरती उतार कर स्वागत की। वो बात अलग है कि अगरबत्ती के धुएं से बेचारा वहीं मर गया। हाँ हम पागल हो चुके थे। बाहर चले, चल पहले इंसान तो बन जाऊं। वाओ के फेस वॉश से घिसता हूँ आज, इसके ब्रश से मुंह एकदम साफ धुल जाएगा और विटामिन सी है तो ग्लो भी आएगा मेरे मरे हुए चेहरे पे। Hi guys, मुझे पता था अभी तक बहुत लेट आएगा इसलिए तब तक मैंने ये लगा लिया है। वाओ का विटामिन सी फेस मास्क जिसमें कोई भी सिलिकॉन पैराबेंस और मिनरल ऑयल्स नहीं है, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। क्या बात है, बस अब आज भी नहाने की कोई जरूरत नहीं। अब जीन्स कहाँ है, घड़ी कहाँ है, वॉलेट कहाँ है, अब पैसे कहाँ है यार अब तो हमारे पॉकेट का साइज बढ़ा दो हलवो, मर जाए क्या। ये क्या चीज है, याद नहीं आ रहा, फल खाते थे ना इससे। पहली बार घर में किसी चीज की इतनी वैरायटी आई है, सैनिटाइजर की। अब इसी से इंप्रेस करते हैं रिश्तेदारों को। दिस इज एवोकाडो इटालियन नींबू सैनिटाइजरिंग सैनिटाइजर, दिस इज फिनाइल बस अच्छे बॉटल में, और ये फ्री में मिला हुआ जो त्वचा ही जला देता है, ना रहेगा स्किन ना रहेगा कोरोना। ये है मेरे घर का कोरोना जोन, तुम सामान हो या इंसान अगर बाहर से आए हो तो 2 दिन यही गुजार ले। कब आदत पड़ेगी, ग्लव्स फेस शील्ड। दोस्त से मिलने नहीं, उसका ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। इतना कमाल का सस्ता वाला खरीदा है ना मैंने, HD दुनिया को 240p पे ले आता है। ओ भाई नशेड़ियों को ऐसा दिखता है क्या। यार ऐसा कुछ किया है, ये बहुत ज्यादा, लेकिन इससे मिलते हैं। अरे वाह इतने दिनों बाद यार। ओए ब्राइटनेस कम कर क्या बोल रहा हूँ यार, धूप की आदत ही चली गई है। मुझे डार्क मोड पसंद है, मैं बाद में आऊंगी। अरे भाई तू 5 महीने बाद कैसे बाथरूम है क्या कहीं आसपास। 5 महीने बाद तू ये करने के लिए मिल रहा है, मेरे बिल्डिंग में बाहर वाले अलाउड नहीं है। कुछ ढूंढना यार, कोई खेत मैदान यहाँ सब निकल जाएगा शांति से। ये जंगली जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट के ओर जाता हुआ 0.5 किलोमीटर पर आर की तेज रफ्तार से। ओह नो, इसने हमारे हिडन कैमरा को स्पॉट कर लिया है, लगता है ये हल्का होते हुए रिकॉर्ड नहीं होना चाहता।
हैशटैग एनिमल प्राइवेसी। डरा मत बे ऐसे, सही में कुछ लोग ऐसे टेम्परेचर लेते जैसे इससे हेडशॉट ही मार देंगे। अब दोस्ती का रिक्वायरमेंट पर्सनालिटी और वो सब नहीं रहा, जिसका टेम्परेचर कम वो मेरा दोस्त। फिर तो कोई हॉट लड़के नहीं मिलने कभी। इतने दिन घर पे रह के ना बाहर की चीजें अप्रिशिएट करने लगते हो। हाय हाय पेड़, इतने दिनों बाद, वाओ। भैया चलोगे? नहीं, यस, थैंक यू भैया। मजा आ गया ऑटो वाले से ना सुन के। आज तो ट्रैफिक खत्म ही ना हो, फंसा रह जाऊं मैं पूरे दिन। ये लाइट ग्रीन क्यों हो जाती है यार? ओए ट्रक, एक धुएं का झोंका मार रहा मुंह पे। हाय फेफड़े में पोल्यूशन। भैया 5 बार हॉर्न नहीं सुनाओगे ना तब तक मैं तो नहीं हिलूंगी। कबूतर नई शर्ट पे हक दे, आजा। बिल्ली प्लीज थोड़ा नोच दे यार। हाँ लफड़ा करो ना लफड़ा, हम चेयर करेंगे। इतने टाइम से कीचड़ में पैर नहीं दिया। कीचड़ था या गोबर? वे बाहर आई हैं तो एक बार नाले में भी कूद ही जाते हैं। सारे शौक पूरे कर लोगी क्या? एक अगर तुम्हें लास्ट 10 वीडियो से पता नहीं चला कि हम अपने अपने घर से शूट कर रहे थे तो थैंक यू सो मच, हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इनफैक्ट मुझे तो कैमरामैन की बहुत याद आई भाई। यही वैल्यू है मेरी। अच्छा सॉरी, कैमरामैन और लाइट मैन दोनों। ये पकड़, मैं कोई कैमरामैन नहीं। देखो क्या कर दिया तुमने इंस्टाग्राम, ये वेरीफाइड लोगों में इतना घमंड है ना। अब मॉल के लिए पैसे होना हो, आरोग्य सेतु जरूर होना चाहिए। पूरा पेज दिया है इसको, इस पे दिल बना है क्योंकि ये ऐप दिल में रहता है। जिसके लिए मॉल आए वो ही बंद है। एस्केलेटर ही तो चढ़ने के अरमान थे आज। इसका हाथ, ये सालों में हेयर कट कम बच्चे की डिलीवरी का सीन ज्यादा लग रहा है। क्या बे छोटे, निकल निकल, चल निकल। 6 फीट को और दूर जाना है। ठीक है, मैं अब यहाँ से नहीं हिल रहा। सैनिटाइज करना पड़ेगा यार। सैनिटाइज करना पड़ेगा यार, चमड़ा निकल जाएगा मेरा। तो सिर्फ स्टारबक्स खुला है और बजट है, इसमें क्या ही आएगा। एक स्ट्रॉ और एक टिश्यू, वेल स्टारबक्स के रेट के हिसाब से काफी। आज की शॉपिंग। ए पर तूने ये भी छुआ ना? अरे भैया हम पे मार दो, नहला दो प्लीज। अरे अरे भैया मैं ले जाऊं कैसे? सैनिटाइजर का कुआं ढूंढ, वहाँ डुबकी मारेंगे। आज पता चल गया कि डरने की कोई बात नहीं है, लोगों के हरकतें देख के कोरोना खुद ही भाग जाएगा। यहाँ मास्क पहनते हैं लोग, इधर ऐसी बुद्धि में जाना चाहेगा वायरस। एक से हेयर बैंड जैसे पहन रखा है। अबे बर्थडे की टोपी है क्या ये? और ऐसे क्या बचा रहे हो, दोनों साइड लगा के झुमके का सेट ही बना लो। एक वहाँ मास्क को थैली बना के उसमें खैनी गुटका ले जा रहा था यार। कोरोना से तो पता नहीं गुटका खा के जरूर मरोगे। आपको समझ आ रहा है ये सब क्यों रखा हुआ है ऑटोस के अंदर? क्योंकि रात को लोग आके यहाँ बैठते हैं, मोस्टली कपल्स, तो उनको भगाने के लिए। इतना सब इसको कैसे पता? ईट पे बैठ के भी कर लेंगे यार वो। लव हैज नो बाउंड्रीज गाइस। चल अब सामान लाने मार्केट चलते हैं। हाँ खाली होगा, बस ज्यादा सुनसान ना हो। हम कोई अलग रियलिटी में जी रहे थे क्या? भी क्या है ये सब? कोविड के पहले तो कभी नहीं दिखे इतने लोग। भैया सोशल डिस्टेंसिंग करनी थी, पैंडेमिक चल रहा है शायद। मैडम मास्क मुंह पे पहन लो, ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन आ गई और सिर्फ हमें नहीं मिली। घर चलते हैं, बहुत भीड़ है। अंकल आगे देख लो, ठेले को ठोक दोगे। अरे क्या भाई श्रीवास्तव जी है? मैं श्रीवास्तव जी नहीं हूँ। चक्कर आ रहे इतने लोग देख के। चल भाई घर, यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। आधे लोग तो बस सब्जी वाले से गप्पे लड़ा रहे। वो भी सोच रहा आधा घंटा हो गया, आलू प्याज तक कन्वर्सेशन ही नहीं पहुँच रही। खरीद रहे हो या बातों का भाव बताओ? हाँ पापा। अरे नहीं अंकल सॉरी यार, इतने दिनों से मम्मी पापा बोल बोल के वही आदत हो गई है। अपना सैनिटाइजर देना। अबे वो भैया मैं तेरा लेके ही जा रही। अबे नहीं मेरा महंगा है। तू अलाउड नहीं है, निकल चल। अभी दोनों ऊपर की तरफ। इतने दिनों बाहर बालकनी में अभी भी गंदी है। बहुत अच्छा लगा देख के कि लॉकडाउन ने कबूतरों के धंधे को बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया है। वैसे धंधे से याद आया तो असली विनोद है
ये जिसके अकाउंट पे कुछ नहीं है, तो ये जितने भी वीडियोस है कि मैं रियल विनोद हूँ, मेरे चाचा नेपाली हैं, सब झूठ। वैसे उसके कमेंट पे 7 से 9 अब 10 लाइक्स हो चुके हैं और हमने उसे काफी मैसेजेस किए पर कोई रिप्लाई नहीं है। स्टार बन के सब में एटीट्यूड आ जाता है यार। हो सकता है वो कोई अंकल हो जिन्हें YouTube यूज ही करना ना आता हो। मिस्ट्री सॉल्व। अब विनोद से मूव ऑन करते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वाओ की विटामिन सी रेंज जरूर चेकआउट करना, स्पेशली बाय वाओ ऐप से। ऐप से शॉपिंग करना भी बहुत इजी है और स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे और हर प्रोडक्ट पे QR कोड भी है, तो आप वाओ की प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल पर मिल जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात पता क्या थी, जब आप मार्केट जाते हैं ना तो आपको लगता है वैक्सीन आ गई और आपको ही नहीं मिली। सीरियसली यहाँ पे बहुत रश था, जब यहाँ पे पीक में था कोरोना तब भी रश था। ईद के दिनों में जो रश पड़ा था ना, तो उसके बाद हर एक जंप भी लगा था, लेकिन बचत होगी यहाँ पे, उतना स्पेंड बचत होगी पता नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन लोग कहीं पे भी नहीं सुनते। यहाँ पे लोगों ने मैं बताया ना इग्नोर किया, कोरोना को इम्पोर्टेंस ही नहीं थी। वो नाराज होकर चला गया ना, मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो लेकिन ऑब्वियसली अभी भी सीन हमें इजी लेने वाला नहीं है, एहतियात बड़ी जरूरी है। अभी जब तक कि आखिरी केस भी आपकी कंट्री में मौजूद है तब तक आपको एहतियात करना, क्योंकि कभी भी इसकी पीक दोबारा से आ सकती है और रिजल्ट्स बुरे हो सकते हैं। एग्जैक्टली, तो आप मेक श्योर करें, एहतियात करें, मास्क वगैरह का यूज़ करें, सैनिटाइजर का। जब भी आप अपनी एहतियात करें, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उनके सर पे, आप अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो ये वीडियो बहुत मजे की थी, इसलिए पॉइंट किया एज यूजुअल जैसी होती है। अब तो मेरे ख्याल से सारे वहाँ पर लॉकडाउन बड़ा रिलैक्स हो गया इंडिया में, तो आप लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस बाहर निकलने का कैसा रहा, ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई भी 5 महीने बाद नहीं निकला यार, सीरियस बता रहा हूँ, काफी सारे लोग हैं जो 5 महीने बाहर नहीं निकले, सीरियस हुआ हुआ था इसलिए नहीं, मतलब प्रिकॉशनरी प्रिकॉशंस लेकर बैठे रहे, मतलब हम जितने वो कैजुअल हैं, हर बंदा कौन कैजुअल है, मैं इतना सीरियस रहा हूं, तो कोरोना भी तो हो गया। अच्छा, ये इतना सीरियस रहा कि मुझे यहाँ पे कोरोना थोड़ी मेरे साथ बैठ के वीडियोस बना रहा, ये झूठ बोल रहा है। मुझे जैसे मतलब कोरोना उस टाइम नहीं होता जिस टाइम के टेस्ट पॉजिटिव, जैसे ही पता चला मैंने इसे मैसेज करना भी छोड़ दिया। मैं सीरियस बता रहा हूँ, कोरोना का उस टाइम नहीं पता लगता जिस टाइम टेस्ट की रिपोर्ट आई, उससे पहले बंदे को हुआ हुआ होता और तू मेरे साथ था। बल्कि इसके उस दिन चचा ने मुझे बोला भी था कि इस्लाम का पता तब लगता है जब बंदा बीमार हो, तुम तो गायब ही हो गए जब वो बीमार हुआ। तो मैंने कहा वो क्या कहूँ मैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे वाकई कैजुअल लिया हुआ था, लेकिन काफी सारे लोग हैं जो इतना कैजुअल नहीं लेते, मेरी तरफ ना देख, तूने भी लिया। मैंने नहीं, मैं अभी भी मास्क पहन के जाता हूँ भाई। मास्क कहाँ है तेरा, ये 6 फीट है, अभी जेब से निकाल के रखे। जेब में क्या कर रहा है, मैंने कहा तुझे हो गया हुआ, अब तुझे कौन सा होना है दोबारा, इसलिए सेफ है। तुझे तो हो सकता है, मुझे कहाँ से होगा, तेरे से तो नहीं हो सकता ना। मैं सीरियसली जब भी जेब से आते हुए निकाल के लेके आऊँ, वरना मैं जब आज भी दिन में गया था तो मैं मास्क पहन के गया था, तो उसके बगैर बैंक में घुसने नहीं देते। मेरे इतने पैसे जाए हुए हर बैंक के बाहर, हर पार्क के बाहर ये मास्क वाले बैठे, यहाँ से देख लो मैं लेके जाता हूँ, मैं कभी नहीं लेके जाता और मुझे हर दफा नया लेना पड़ता। खैर, हम क्यों अपनी वो पर्सनल राज खोल रहे। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि देखें, जिस जिस जगह पे ना मास्क के बगैर एंट्री अलाउ नहीं है, वहाँ कोई ना कोई बैर बेच रहा होता है, रोजगार चल रहे लोगों के और हम जैसे लोग लुटते रहते हैं, वो 15-20 रुपए में आपका गुजारा हो जाता है, तो वो काम बन जाता है ओवरऑल। खैर, बट मैं थोड़ा सीरियस लें वाकई में इसको, और खास तौर पर थोड़ा सीरियस नहीं, ऐसे कोई भी नहीं लेता, लोग समझदार हैं। खैर, ये फनी वीडियो थी इसलिए हम थोड़ा सा सीरियस लाइटली इस चीज को ले रहे हैं, वैसे इतना लाइट है नहीं चीज, सीरियस तो सीरियस ले आप। तो कुछ ऐड करना चाहें तो आप नीचे कमेंट कर दें और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब हरगिज मत कीजिएगा। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। ये लाइन ना बोला यार, वो नहीं करते ना तो कहने का क्या फायदा, मेरे पे गुस्सा क्यों, तुम मुझे टोक क्यों रहे, ठीक है भाई ना कर। ना करो, ओके। Thank you.